हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बालों को काला करने के लिए बहुत ही कमाल की रेमेडी। अगर आपको ये रेमेडी पसंद आएगी तो भर भर के शेयर कीजिएगा, अपना प्यार इस वीडियो को दिखाइएगा। और हाँ, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा विद बेल आइकन, ताकि अगर मैं कोई भी वीडियो डालूँ ना तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए। तो दोस्तों, अगर आप कोई ऑयल वगैरह यूज़ करते हो तो भी इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हो, लेकिन बस केमिकल हेयर में आपने ये यूज़ नहीं करना है। और लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आएगी तो एक बार फिर से ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली फ्रेंड्स सबको। तो इसके लिए सबसे पहले आपने लेना है काली मेहंदी, यह आपको ईजिली मिल जाएगी। तो मैंने अल्पास गुडनेस की काली हिना मेहंदी ली है। आप ये ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन ले सकते हो, नियर बाय स्टोर से ले सकते हो, कहीं से भी आपको मिल जाती है जहाँ से। तो आपने ये अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ले लेना है। तो मैंने पहले कम ली थी, बाद में और इसको डाला था थोड़ा सा, तो आपने ये ले लेना है। तो मैंने 1 टीस्पून ही लिया। उसके बाद यहाँ पे आपने डालना है हिबिस्कस पाउडर, या आप हिबिस्कस के फ्लावर्स जो होते हैं ना उसको सुखा के ग्राइंड कर सकते हो, फ्लावर और लीव्स को, और वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये भी आपने डालना है 1 चम्मच बड़ा, तो ये आपने डाल देना है। और ये हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका माना जाता है। उसके बाद आपने डालना है भृंगराज पाउडर, ये भी हमारे बालों को बहुत ही अच्छी तरह से तेज़ी से काला करता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट है इसका भी। और चलिए आप आपको बताती हूँ नेक्स्ट आपने इसमें क्या डालना है। तो नेक्स्ट आपने डालना है काला कत्था। सबसे अच्छा रिजल्ट आपको काला कत्था ही डाल देता है। अगर आप कोई भी रेमेडी बना रहे हो ना, तो आप उसमें बस काला कत्था मिक्स कीजिए, थोड़ा सा ही आपने करना है, आधा चम्मच से भी कम। तो देखिएगा आपकी रेमेडी की जो गुडनेस है ना, वो 4 गुना बढ़ा देता है, और बहुत ही कमाल का ये रिजल्ट रहता है। आप ज़रूर ऐड कीजिएगा काले कत्थे को किसी भी अपनी रेमेडी पे, हेयर की रेमेडी पे, तो बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट आता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद अब आपने डालना है इसमें मेथी दाना पाउडर। तो यहाँ पे मैंने मेथी का पाउडर डाला 1 टीस्पून, और यह हमारे बालों को काला करने के लिए, घना करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है। उसके बाद आपने इसमें डालना है जटामासी का पाउडर। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून जटामासी का पाउडर डाला, और ये भी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है हमारे बालों के लिए। यानी कि हम जो भी पाउडर इसमें डाल रहे हैं ना, सभी नेचुरल पाउडर हैं, और ये सभी बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करते हैं। उसके बाद अब आपने इसमें डालना है कलौंजी पाउडर। तो मैंने 1 टीस्पून कलौंजी पाउडर इसमें डाल दिया। ये मैंने थोड़ा सा रफ ग्राइंड किया था, तो ये थोड़ा दाने वाला है, आप चाहे तो ग्राइंड ज़्यादा कर सकते हो, फाइन पेस्ट बना सकते हो, पाउडर बना सकते हो। तो ये भी आपके बालों के लिए काफ़ी अच्छी तरह से वर्क करता है, ये आपके बालों को मजबूत करता है, साथ ही साथ उसे लंबा बनाता है, सिल्की स्मूथ, घना बनाता है, काला बनाता है। तो चलिए अब बताती हूँ आपने इसमें नेक्स्ट क्या डालना है। तो ये सभी आपने डालने के बाद अब आपने इसमें डालना है मेहंदी। आपने मेहंदी इसमें डालनी है, आप चाहो तो मेहंदी इसमें, अगर यूज़ कर रहे हो मेहंदी लगा रहे हो तो आप मेहंदी के पाउडर में ही ये सब डालिए। अगर आपने नहीं डालना है तो आप मेहंदी रहन दीजिए। आपने इस तरह से ही आपने इसमें कोई भी ऑयल डाल के अच्छी तरह से हल्का सा बॉयल कर लेना है, नहीं तो आपने धूप में रख देना है, नहीं तो आप इसमें आंवले का जूस मिला के डाल सकते हो। और इसके बाद मैंने यहाँ पे एलोवेरा को डाला। ये एलोवेरा का मैंने जूस रेडी कर लिया था, थोड़ा सा पानी इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा डल गया था, तो मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था लीव्स को। तो नेचुरल एलोवेरा जेल मैंने इसमें डाला, आप चाहे तो मार्केट वाला भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है। तो आपने ये डाल देना है, बस मेरा थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया था, वैसे भी इसमें पानी डालना ही था, क्योंकि ये जो मिक्सर है, या तो आप पानी डाल के कर सकते हो, या तो फिर चाय पत्ती का जो पानी होता है ना उसको भी डाल के आप इसको बना सकते हो, कॉफ़ी का पानी भी आप डाल सकते हो, कॉफ़ी भी डाल सकते हो, तो इसका रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। फिर तो आप इसको डालिए और अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। वैसे मैंने यहाँ पे कॉफ़ी और कॉफ़ी का पानी, चाय पत्ती का पानी नहीं डाला, क्योंकि मुझे इसकी नीड नहीं लगी थी, क्योंकि मैंने काला कत्था डाला, इतनी हाई लेवल में प्रॉपर्टीज़ इसमें, जितने भी इंग्रेडिएंट डाले हैं ना, सब में हाई लेवल में प्रॉपर्टीज़ होती हैं बालों को काला करने के लिए, तो मुझे ज़रूरत नहीं लगी थी। आप चाहो तो डाल सकते हो, ये आपकी विश है। तो इन सबको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर देना है। देखिए इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि इसमें कोई भी लम्स रहेगा ना तो वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपने थोड़ा सा इसको 5 मिनट तो लगेंगे ही, इसको
अच्छी तरह से आपने फाइन पेस्ट बना लेना है अच्छी तरह से मिक्स करके, और आप इसको अपनी दाढ़ी मूछों पे भी लगा सकते हो, सिर के बालों में भी लगा सकते हो। बस अगर आपकी स्किन पे आप चाहते हो ये आपकी स्किन पे कलर ना आए तो वैसलीन या फिर कोकोनट ऑयल लगा लीजिएगा, जिससे कि आपके बालों पर ये कलर चढ़ेगा लेकिन आपकी स्किन पर नहीं चढ़ेगा। तो इसको देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, कोई भी इसमें लम्स नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, अपने साफ बालों पे इसको लगाना है, अपने साफ बाल यानी कि ऑयली वगैरह गंदे नहीं होने चाहिए। हेयर वॉश कीजिएगा बालों को सुखाने के बाद, आपने ऐसा मेहंदी जैसे लगाते हैं ना सेम आपने इसको ऐसे ही लगाना है, अपने बालों पर लेयर टू लेयर इसको लगा लीजिए। उसके बाद आपने 1 से 2 घंटे इसको रहन देना है, सुखाना है। उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा, शैम्पू यूज़ मत कीजिएगा। फिर नॉर्मली आप शैम्पू यूज़ कीजिएगा शाम के समय, या नेक्स्ट डे आप शैम्पू यूज कर लीजिएगा। उसके बाद आपने वॉश कर लेना है अगले दिन, और फिर देखिएगा कितना अच्छा आपके बालों पर कलर दिखेगा। अगर आप चाहते हो गाढ़ा कलर चढ़े तो इसके बाद आपने क्या करना है, ये लगाने के बाद आपने हेयर वॉश कर लेना है। शैम्पू ऑयलिंग करने के बाद आप हेयर वॉश करोगे ना जब शैम्पू से अगले दिन, तो आपने इंडिको पाउडर का पेस्ट यूज़ करना है। उसके बाद भी आपने ऑयलिंग करनी है, उसके बाद आपने शैम्पू कर लेना है, फिर देखिएगा कितना गजब का आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आई होप दोस्तों आप सबको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, तो भर के शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए न्यू हो तो। मिलती हूँ आपसे न्यू अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।